सेवन सेमेस्टर में राबे का एक प्रोग्राम होता है, उसी का हम लोग का पीपीटी प्रेजेंटेशन है, तो थोड़ा सा नर्वस तो हैं, पता नहीं आगे क्या होगा और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का कोर्स 4 वर्षों का होता है, जिसमें से फाइनल ईयर में हम लोग का रावे प्रोग्राम होता है। रावे का फुल फॉर्म होता है रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। रावे प्रोग्राम रंगावा कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था। रावे प्रोग्राम के लिए हम लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर भेजा गया था। अगर हम बात करें कृषि विज्ञान केंद्र की, तो भारत में सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1974 में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पांडिचेरी में खोला गया था। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में सबसे पहला केंद्र 23 अप्रैल 1979 को मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया था। तो हमने अपने प्रोग्राम के दौरान जिन जिन चीज़ों को सीखा है, मैं पीपीटी के माध्यम से उन सभी चीज़ों को बारी बारी से बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुंगेर बिहार को टोटल 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से मुंगेर थर्ड एरिया आता है। अगर हम बात करें कि मुंगेर में टोटल फार्मर की संख्या को, तो वो 2000 से लगभग 7500 के बीच है। अगर हम बात करें और की जो सॉइल की, तो मुंगेर की सॉइल सैंडी लोम क्ले लोम से लोम टाइप की सॉइल है। अगर हम बात करें वहाँ के मेजर क्रॉप की, तो वहाँ के मेजर क्रॉप है व्हीट, मेज, पिजन पी, मिलेट, मैंगो, कुटीसी। अब हम बात करते हैं रावे प्रोग्राम के बारे में। तो रावे प्रोग्राम में जो है एक्सटेंशन एजुकेशन के 2 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है लैब टू लैब, मतलब कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में हम जो भी न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, जो भी हम प्लांट के सीड के जो भी न्यू वैरायटी को डेवलप करते हैं, उनको हमें जो फार्मर तक लेके जाना पड़ता है, जो काम कृषि विज्ञान केंद्र का होता है। कृषि विज्ञान केंद्र का मेन काम होता है लैब टू लैब, मतलब कि लैब में जो भी कुछ बन रहा है, जो भी कुछ डेवलप हो रहा है, उसको हम लैब पर कैसे लेके जाए, लैब कॉम्पिटिशन एजुकेशन का होता है। और जो है लैब टू लैब जो है प्रोग्राम है ICAR द्वारा 1979 में करते हैं। तो आप जब भी सिस्टम बदलाओगे, तो
हमारे यहाँ शुगर केन शुगर केन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? शुगर केन मस्टर्ड कितना दिन में शुगर केन पड़ जाता है? 12 महीना। तो कॉन्सेंट्रेशन एक साल का बनेगा? बीच में तो सर अगर एक क्रॉप देते हैं तो शुगर केन का, उसके बाद दो तीन महीना अगर बैंड हो तो उसको मस्टर्ड या कुछ शुगर केन 12 महीना लगेगा, 11-12 महीने शुगर केन के खत्म हो गया। उसके बाद आप कहीं के बोलो तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना, शुगर केन को ध्यान शुगर केन के साथ होती है क्रॉप केन ऐसा नहीं होता। यहाँ का जो क्रॉप है क्रॉप इतना आसानी से हमारे तुम्हारे बोलने से नहीं होता, वो कुछ ऐसा ही नेचुरल हजार हो क्या सर सर्विस सिक्किम कर सकता है? बहुत आसानी से सीख नहीं कर पाए, हम बोलते हैं कि हम बोलेंगे और मिनट्स लगाने लगेगा। नो डाउट मिनट्स में आपने बताया कि बहुत सारे मिनट्स हैं विटामिन है, लेकिन उसके लिए हमारा मेंटल सिचुएशन की कुछ तरीका का समझना चाहिए। चलो सर, वी आर कंटेंट विच आई कवर नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल सर लेट्स सेटल फॉर रूरल एग्रीकल्चर प्रोग्राम इन प्रोडक्शन। दिस इज नॉट नेसेसरी डायरेक्टली टू योर एक्सपीरियंस। यस सर, वी ऑल आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर विच आई हैव डन जेनेटिक मिलेट सर बाय एनी फ्रॉम सर वी हैव डन ए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एक्सचेंज ऑफ मिलेट दैट यू आर नो दैट एज यू आर नो दैट 2023 वी हैव सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। So many programs in the program are organized by the institution of the institute. Other things are like we are learning, we have done some practical experience, seeing it living and sustainability. Other things we have done some interaction with the professional farmer, PRA, and the share relationship. These are the sort of topics of competition. KMK. उसका बनाया जाता है, लेकिन वही बटन मशरूम का बात है तो स्ट्रेंथ लेवल पर बहुत डिमांड होता है। इसके बाद अगर